हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 24 देखते हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, फर्स्ट चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का। कहता है टू लार्ज, है ना, लार्ज थिन प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। इसका मतलब है इसके इफेक्ट्स आपस में शेयर होंगे बच्चों। फिर कहता है ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव द सर्फेस चार्ज डेंसिटी, मतलब अंदर वाले जो फेसेस है हमारे पास वहाँ पे ऑपोजिट है साइन में, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम शेयर होता है। तो यहाँ पर सिग्मा प्लस का है ए प्लेट पे और यहाँ सिग्मा माइनस का है बी प्लेट पे, है ना, इनर साइड पे बच्चों। ये इस बात का ध्यान रखें। फिर कहता है व्हाट इज ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, वेक्टर का मतलब है ना, बोल्ड में लिखा है एनसीईआरटी मतलब वेक्टर से। फर्स्ट टाइम बतानी है अपन को इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, मतलब फर्स्ट प्लेट के बाहर, मतलब इधर फील्ड बतानी है। फिर सेकेंड टाइम है आउटर रीजन ऑफ प्लेट बी, है ना, दैट मीन्स ये वाले रीजन में आपको बी के आउटर में, और फिर बोलता है बिटवीन द प्लेट्स, है ना। तो थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं बच्चों। इसके राइट साइड में जो पूरा रीजन है नेट रीजन, उसको अपन वन बोल देते हैं, अंदर ही इनको टू बुलाया जा सकता है, और ये हो जाएगा आपका थर्ड रीजन। जब दो प्लेट्स काफ़ी क्लोज रखे होते हैं, राइट, तो इस प्लेट पे पूरा चार्ज एनक्लोज तो है नहीं, इसलिए इसका इफेक्ट आपके इसके आउटर में भी दिखता है। सो आपको यहाँ देख सकते हो कि किसी जगह पे अगर फील्ड बतानी होगी तो वहाँ पे एक इमेजिनरी चार्ज रख लेते हैं क्यू नॉट। इस क्यू नॉट पे ये प्लस का क्या करेगा बच्चों, इसको रिपेल ही करेगा ना, और माइनस वाला क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट ही करेगा ना। तो ये रिएक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ए का और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बी का। वही चीज़ यहाँ बनी हुई है, बी लेफ्ट हैंड साइड, ए का आइटम लेफ्ट हैंड साइड है और बी का आइटम आपका राइट हैंड साइड है। सिमिलरली अगर सेंट्रल रीजन में कहीं अगर आप क्यू नॉट को रख दो, इमेजिनरी है ना, रखना नहीं है वहाँ जाके, इमेजिनरी अगर रहता है तो उस चार्ज पे फर्स्ट वाले की तरफ से देखो आगे तो राइट डायरेक्शन में होगा और ये नेगेटिव है, राइट, तो ये भी उसको अट्रैक्ट ही करेगा, तो दोनों के जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए भी इस डायरेक्शन में है और बी भी इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू बी। सिमिलरली अगर कोई टेस्ट चार्ज को यहाँ लेकर आते हो तो ये नेगेटिव वाला है बच्चों, ये उसको अट्रैक्ट करेगा और ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। प्लस पे बैठ के देखो ये प्लस का चार्ज होगा, रिपेल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ई ऑफ ए और ये टर्म है आपका ई ऑफ बी। ऑपोजिट बने हो मतलब क्या करना है, माइनस, सेम साइड हो तो प्लस हो जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, अगेन माइनस का टर्म आ जाएगा, बहुत ही क्लोज रखें, राइट। तो यहाँ लिखता हूँ दिस हैपन्स बिकॉज चार्ज इज नॉट enclosed by द रिस्पेक्टिव प्लेट्स, ठीक है, इन प्लेट्स ने कंप्लीटली इसको एनक्लोज नहीं कर लिया है, राइट, इसलिए अपन को इनके इफेक्ट इस तरफ भी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर अपन फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट बताना है जो कि वेक्टर का टर्म होगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये दो टर्म्स है हमारे पास, लेफ्ट वाले को अगर नेगेटिव बोलते हैं तो हो जाएगा माइनस ऑफ ई ऑफ ए, ओके, लेफ्ट साइड जा रहा है, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, राइट। और थोड़ी बात कर लेते हैं, दोनों प्लेट्स क्या हैं, पैरेलल हैं, और जाहिर सी बात है क्वेश्चन वाला कह चुका है हमें ये प्लेट्स बच्चों थिन हैं, तो थिन प्लेट के लिए हमको पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ए और बी छोड़ के मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा तो हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। और अगर वेक्टर के टर्म में लिखना होगा तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि सर सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, एक आई का टर्म होगा, और ये पता लगा लेंगे कि प्लस में है माइनस में है डिपेंडिंग अपॉन ए और बी का किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से अपन को समझ में आ रहा है कि इन दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है ना, तो आप लिख सकते हो ड्यू टू द सरफेस चार्ज डेंसिटीज, तो ड्यू टू इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लिख सकते हो ई ऑफ ए का टर्म है बच्चों, वो ई ऑफ बी के टर्म के बराबर है, यहाँ वेक्टर भी लगा लेना है और मॉड भी लगा लेना है। फिर आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों कि सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस करके सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों टर्म्स कैंसिलेशन में जाएंगी और ये हो जाएगा आपका जीरो। वेक्टर के साथ लिखना होगा तो यहाँ पे आप आई कैप भी लगा सकते हो, राइट। एंड नाउ इफ यू लुक एट द पोर्शन बी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सेकेंड पार्ट की बतानी है, वेक्टर्स में इसको फिलहाल लिख देते हैं। तो देखो बच्चों दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, राइट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो आप लिखोगे कुछ इस तरह से ई ए का जो वेक्टर होगा वो ई ऑफ बी के वेक्टर में ऐड होगा। कहने का ये मतलब है
कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो कि आई पे जा रहा है प्लस हो जाएगा ये अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई पर, हाफ और हाफ के टर्म मिलके बना लेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और आई मतलब इसकी डायरेक्शन बता रहा है ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। तो सिग्मा का टर्म बच्चों गिवन है हमें, ये है 17 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 21, ये टर्म होती है 8.858 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 12, ये 12 ऊपर जाएगा तो आपको एक 10 टू पावर माइनस ऑफ 10 का टर्म देगा, ये प्लस बना देगा, और 8.856 को डिवाइड करोगे बच्चों और 17 को तो ऐसा कर सकते हो यहाँ पे ये लगभग 1.9 अप्रॉक्सीमेटली 2 के आसपास ही टर्म मिलेगी हमको, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म है, राइट। वेक्टर अगर लगाता है टीचर तो यहाँ उसको बताना पड़ेगा आई कैप है और न्यूटन पर कूलम में बताई जा रही है बात। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट में देखो ई ए आपका राइट साइड है, ई ऑफ बी लेफ्ट साइड है, तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन वेक्टर्स के साथ, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए वेक्टर्स प्लस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बी, और आप देखोगे इसका साइन हमको नेगेटिव रखना चाहिए, ये हो जाएगा आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्योंकि थिन प्लेट का है बच्चों, तो आई के साथ हो जाएगा और प्लस करके हम लिख देंगे माइनस ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी टर्म आई का ही रहने वाला है, कैंसिलेशन कर लेते हैं, आंसर फिर मिल जाएगा जीरो। तो ए और सी पार्ट मतलब आउटर रीजन में जीरो मिल रहा है, राइट, और इनर रीजन में आपको ऐड होते मिल रहा है। अगर किसी प्रॉब्लम में आपके यहाँ पे दोनों में सेम साइन के साथ आ जाए कभी क्वेश्चन, जैसे मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे मेंशनड है और दोनों अगर प्लस के होते इफ इन केस अगर क्वेश्चन अराइजेस, तो आपको फिर से स्टडी करना पड़ता कि सर ये दोनों अगर प्लस के होंगे तो सेंटर पे जीरो मिल जाएगा और आसपास में सॉल्व होता है, राइट। तो ऐसा याद नहीं कर लेना है मिसकंसेप्शन में कि हमेशा आउटसाइड पे जीरो जाएगा और सेंटर पे अपन ऐड करेंगे। बच्चों आपको पोलैरिटी चेक करनी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के साइंस चेक करने होंगे, उसके बाद बहुत केयरफुली लिखना होगा क्योंकि मार्क्स बहुत जल्दी काट लिए जाते हैं पेपरों में, ठीक है। आगे देखते हैं,